In laboratory, volume of liquids can be measured by graduated cylinder, burette, pipette, standard measuring flask या फिर माइक्रोसीरिंज। हमें कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में भी जानकारी लेनी होगी। ये वो इक्विपमेंट्स हैं, एकदम बेसिक इक्विपमेंट्स जिनको कहा जा सकता है, जिनका इस्तेमाल लेबोरेटरी में केमिकल एनालिसिस को करना पड़ता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें वॉल्यूम मेजर करनी है। और इसमें क्या क्या आता है, फिर सिलेंडर आता है, ब्यूरेट आता है, पिपेट आता है, जो हमने पिछले साइड पर देखा और डिस्कस भी किया। इसमें एक नया यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विपमेंट का नाम है माइक्रोसिरिंज, जिसे कहा गया है माइक्रोसिरिंज। माइक्रोसिरिंज इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि जब आपको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को हैंडल करना होता है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है वो लिक्विड की, उसे हैंडल करना होता है, तो माइक्रोसिरिंज का काम होती है। वो आपको ml से भी कम क्वांटिटी, 0.1 ml, 0.2 ml, जैसे एकदम छोटी छोटी जो क्वांटिटीज होती हैं, वो ठीक से इंजेक्ट करने के लिए भी मदद करती है। खास करके जो एडवांस्ड एनालिटिकल टेक्निक्स होते हैं उसमें बहुत छोटा सैंपल साइज होता है, उसमें काफ़ी काम में आता है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, किसी भी लेबोरेटरी में या फिर प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल सेटअप में। फ्लोमीटर्स होते हैं, फ्लोमीटर्स आर यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, तो उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एप्लीकेशन के हिसाब से फर्क पड़ेगा, कुछ ज़्यादा क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए होते हैं, कुछ सिस्टम्स स्मॉल क्वांटिटीज को, माइक्रो क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए होते हैं। और ये बात तो होगी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए ना, जिनकी लेंथ, विड्थ और हाइट हम मेजर कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स का क्या जिनका शेप इररेगुलर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पत्थर ले लीजिए एक तरह से, है ना, कोई स्टोन है, इररेगुलर शेप है, उसका वॉल्यूम आपको मेजर करना है तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए फिर वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज किया जाता है। आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली यू नो ग्रेजुएटेड कंटेनर होता है, उसके अंदर वॉल्यूम लिखा होता है कि कौन से लेवल तक कितना ml है। उसके अंदर आपने पानी भर दिया, आपने नोट कर लिया इनिशियल वॉल्यूम कितना है, उसके बाद आपने जिस भी चीज़ का वॉल्यूम आपको मेजर करना है इररेगुलर शेप का, वो आप वाटर के अंदर रख दोगे इस तरह से कि वो सर्फेस के नीचे चला जाए पूरी तरह से। और वो जब वो सर्फेस के नीचे चला जाएगा तो उस वजह से जो लेवल है उस कंटेनर के अंदर वाटर का, वो ऊपर चला जाएगा। और इससे हमें पता चलेगा कि टोटल वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है, और जो चेंज हो रहा है ना वही उसका वॉल्यूम भी होगा, बिकॉज वी नो दैट 1 ml इज इक्वल टू 1 cm³। तो अगर 50 ml अगर डिस्प्लेस हुआ है तो हम जान जाएंगे कि जिस मटेरियल को, इरेगुलर शेप को वॉल्यूम हम मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं उसका वॉल्यूम है 50 cm³। अगर 3 ml से अगर लेवल बढ़ता है तो इसका मतलब है कि इरेगुलर शेप का टोटल वॉल्यूम है 3 cm³। तो इसी कंपेरिजन के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम है किसी भी इरेगुलर शेप का, भले ही हम वहाँ पर केपेबल नहीं है उसके लिए। जो 3 डायमेंशन हमने देखे हैं, 3 डायमेंशन वॉल्यूम से रिलेटेड, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसको भले ही हम कैलकुलेट ना कर सके फिर भी डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम जरूर उसके वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगली बात जो हमें देखनी है वो डिस्प्लेसमेंट। हमने प्रीफिक्सेस का कन्वर्जन पढ़े और वही आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। 10 cm यानी कि क्या होता है, 1 decimeter होता है। इसका मतलब है 1 decimeter by 1 decimeter by 1 decimeter इज इक्वल टू 1000 cm³, और 1000 cm³ का मतलब होता है 1 liter। ये यूनिट्स के कन्वर्जन है, ओके। और इसी के साथ अगर आप 1 meter by 1 meter by 1 meter करोगे तो आपको मिलेगा 1000 meter, यानी कि 1 meter³। ये भी एक कंपेरेटिव वैल्यूएशन है ना, 10^6 microliter इज इक्वल टू 1 liter, क्योंकि लीटर आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, राइट। तो लीटर से अगर आप माइक्रोलीटर की तरफ जा रहे हो, जो नीचे है, मतलब लोअर प्रीफिक्स है लीटर, लीटर लीटर के कंपैरिजन में, लीटर तो यूनिट है, लीटर के नीचे वाला जो लोअर प्रीफिक्स है वो है माइक्रो, और माइक्रो का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10^6 होता है। अब क्योंकि आप हायर प्रीफिक्स से लेकर लोअर प्रीफिक्स की तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो 10^+n से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10^6 उसका वैल्यू हो जाएगा 10, उसका जो साइन हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपका 10^6 होगा। इसका मतलब 1 liter इज इक्विवेलेंट टू 10^6 माइक्रो लीटर। अब ये एग्जैक्टली उल्टा करना होता तो 1 microliter इज इक्वल टू 10^-6 liter। क्यों? क्योंकि हम लोअर प्रीफिक्स से हायर प्रीफिक्स की तरफ जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसके बाद अगला यूनिट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी का ऐसा यूनिट है kg/m³। इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम जानते हैं। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला तो हमें पता है। मास का यूनिट क्या है, kg,
वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो हमने एम, अगर एम के सिस्टम के साथ अगर हम चलेंगे मीटर किलोग्राम और सेकेंड वाला सिस्टम, तो ऐसा यूनिट जो है डेंसिटी का वो हो जाता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड हाउ मच स्पेस इट टेक्स अप, दैट इज वॉल्यूम। तो हमें ये देखना है कि किसी भी पदार्थ की मास के अनुरूप उसका वॉल्यूम में क्या चेंज आता है। ओके, कुछ जो वस्तुएं होती हैं, जैसे अब कॉटन ले लीजिए, आप देखते हैं कि कॉटन कैसा हल्का होता है ना। कॉटन को रखने के लिए आपको ज्यादा जगह चाहिए, लेकिन उसका वजन कम होता है कंपेरेटिवली। अगर उसको आप कंपेयर करेंगे, एक वेट बार ले लीजिए आप, है ना, कोई मेटल का बड़ा सा स्लैब ले लीजिए, वेइंग बार ही ले लीजिए ना आप, तो आप देखेंगे कि एक किलोग्राम का जो वजन है उसको रखने के लिए जितनी जगह लगती है लोहे का आयरन से बना हुआ, कंपेरेटिवली 1 किलोग्राम कॉटन को रखने के लिए उससे कई ज्यादा जगह लगती है। इसका मतलब ये होता है कि जो उनके मैटर है वो मैटर डिस्पर्शन जो उनका है वो अलग अलग है। जो आयरन है वो बहुत डेंसली अरेंज्ड है, कॉटन ऑन दी अदर हैंड इज नॉट सो डेंसली अरेंज्ड, इट इज लूज, इट हैज एयर स्पेस इन बिटवीन। तो इसका मतलब यह होता है कि कुछ तो यहाँ पर चेंज हुआ है, दोनों की जो रिलेशनशिप है अपने अपने वॉल्यूम के साथ वो अलग अलग है, राइट। और इसी को हम डेंसिटी कहते हैं। अगर कम स्पेस में ज्यादा मास अगर है तो हम कहेंगे कि डेंसिटी हाई है, और अगर ज्यादा स्पेस में कम मास है तो हम कहेंगे डेंसिटी कम है। द मास ऑफ एटम्स, देयर साइज एंड हाउ दे आर अरेंज्ड डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये सिर्फ एटम्स के बारे में नहीं है, डेफिनेशन में भले ही लिखा हो, क्योंकि हम इस लेवल पर सिर्फ यूनिट्स एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स में भी एप्लीकेबल है। मास ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, देयर साइज एंड हाउ दे आर अरेंज्ड डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो उनका जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूलर लेवल पर वो किस तरह से है उस पर काफी डिपेंड करता है कि उसका डेंसिटी कैसा होगा। इसके दूसरे यूनिट्स है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर एमएल, केजी पर लीटर, इनको भी यूज कर सकते हैं आप डेंसिटी को डिनोट करने के लिए। और इसका फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप केजी पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा यूनिट्स का कन्वर्जन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप केजी पर सेंटीमीटर क्यूब उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपको दूसरे सिस्टम के साथ, मतलब दूसरे इक्वेशन में अगर इस वैल्यू को फीड करना है, तो फीड करते वक्त आपको इसे कन्वर्ट करना होगा इस तरह से कि वो उस इक्वेशन में, मतलब एक कॉमन सिस्टम अडेप्ट होना चाहिए। सभी यूनिट्स आइदर एनकेएस में रहेंगे, सभी यूनिट्स आइदर सीजीएस में रहेंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो हमने डिस्कस किया है। अब देखते हैं डेंसिटी मेजर कैसे की जाती है। डेंसिटी मेजर करने के लिए काफी सारे इक्विपमेंट्स हैं, हाइड्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, डिजिटल डेंसिटी मीटर हैं। तो ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग एनालिस्ट्स इनको यूज करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्रूड यूज करना है, बेसिक एकदम रूडिमेंट्री लेबोरेटरी वर्क करना है, तो आप स्पेक्ट्रोमीटर पे सेटिस्फाई हो जाओगे। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, ये एक्चुअली एक ग्लास वेसल है जिसका जो वेट होता है ना, वो बेसिकली हमें पता होता है पहले से, हम वी कैन वे इट एवरी टाइम। हम उसको क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे, एंश्योर करेंगे उसके अंदर और कोई दूसरी चीज नहीं है। फिर इस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हम हमारा जो मटेरियल है जिसकी डेंसिटी हम मेजर करना चाहते हैं उसको ऐड कर देते हैं और पूरी तरह से भर देते हैं। भरने के बाद हम उस पर वो स्टॉपर लगा देंगे और फिर उसका वेट लेंगे। और अब ये जो हमें वेट मिले, जो वैल्यू मिलेगी उसकी, उसमें और जो एम्प्टी बॉटल का जो वेट किया था उसमें जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस के बेसिस पर हम डिटरमाइन करेंगे कि डेंसिटी कितनी है। अब इसकी वॉल्यूम हमें पहले से पता है, इसकी वॉल्यूम होती है 10 ml, राइट। तो जो भी वजन हमें मिल रहा है उसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें एग्जैक्टली क्वांटिटी मिल जाती है कि 1 ml, 1 per 1 ml, यानी कि पर 1 cm³ कितना इसका वेट है, और वही उसकी डेंसिटी भी होती है। फिर आप हाइड्रोमीटर्स को यूज कर सकते हो लिक्विड वगैरह के लिए, और फिर डिजिटल डेंसिटोमीटर तो होते ही, ये एडवांस्ड एनालिटिकल टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है छोटे छोटे सैंपल्स की डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए। खास करके ऐसी कंपनीज जो इमल्शंस बनाने में इंटरेस्टेड होती हैं, ऐसी कंपनीज जो प्योरीफाइड केमिकल रिएजेंट्स बनाने की कोशिश करती हैं, तो उनके लिए डेंसिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डेंसिटी एक स्ट्रेट आउट उनका जो इंडिकेटर होता है कि उनका प्रोडक्ट प्योर है कि नहीं।
प्रोडक्ट जितना ज्यादा प्योर होगा उसकी डेंसिटी जो है वो उतनी ही उसकी जो आइडियल डेंसिटी है उसके नजदीक जाएगी। अगर वो उससे दूर है तो आप समझ जाइएगा ये कुछ तो इंप्यूरिटी है जिस वजह से डेंसिटी में फर्क पड़ रहा है। रेफरेंस के लिए हम देखेंगे कि कुछ कॉमनली यूज्ड केमिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी कितनी होती है, ये लेबोरेटरी में या फिर हमारे डेली लाइफ में ही यूज करते हैं। सबसे पहला है पेट्रोल। पेट्रोल की डेंसिटी है 0.71 to 0.77 किलोग्राम पर लीटर। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल लोगे तो उसका वजन जो है 0.71 किलोग्राम आएगा, यानी कि 710 ग्राम, यानी से लेकर 770 ग्राम। ये थोड़ा सा सब्जेक्ट है, इट कैन चेंज, क्योंकि पेट्रोल जो है एक वोलाटाइल कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, राइट? तो ये नेचुरली ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, उस वजह से थोड़ा सा डेंसिटी में डिफरेंस आता है। उसमें एक रेंज दिया हुआ है 0.71 से लेकर 0.77 तक, एक एक्सेप्टेबल डेंसिटी है पेट्रोल की। डीजल की 0.82 से लेके 0.86 तक, राइट? साथ ही साथ अगर आप वाटर को लोगे तो वाटर का 1 है, वाटर को स्टैंडर्ड कंसीडर किया गया है। आपको याद होगा हमने बार बार यूनिट्स में यही बात की है कि आप एक किसी भी क्वांटिटी को पकड़ लोगे और उसको स्टैंडर्ड कंसीडर करोगे, तो इसके बेसिस पर बाकी सब कुछ इवेल्युएट करोगे। तो यहाँ पर डेंसिटी के मामले में वाटर को स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया है। तो एजम्पशन क्या है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ml ऑफ वाटर, राइट? तो अगर 1/1 आप डेंसिटी के फॉर्मूला में ऐड करेंगे तो आपको डेंसिटी इसके बराबर 1 मिल जाएगी। तो ये जितना ml होता है उतना ग्राम भी होता है वाटर। आइस ऑन द अदर हैंड, अगर आप वाटर को फ्रीज करोगे ना तो उसकी डेंसिटी कम होती है। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आइस एक्सपांड होती है ना, हम जब छोटे थे तो हमने सभी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं क्लासरूम में। तो आइस का डेंसिटी कम होता है, और वो कम कैसे होता है, 0.917 हो जाता है। इसमें डिजॉल्व गैसेस वगैरह होती है पानी के अंदर, जो जब फ्रीज होता है तो वो सेपरेट होती है। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर है, और इन एडिशन टू दैट, तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से वाटर की डेंसिटी, आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर के कंपेरिजन में। सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द अदर हैंड 1.84, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1.13, और मर्क्यूरी 13.6। कितना हेवी है सोचिए, 1 लीटर आप मर्क्यूरी लीजिए, उसका टोटल वजन है 13.6 किलोग्राम। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे आपके लेबोरेटरी में, जब आपको काम होगा, तो इस डेंसिटी को यूज करना है 1.84 जो सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन बनाएंगे तो आपको 1.13 एज डेंसिटी यूज करनी है। डेंसिटी का ऐसा यूनिट हमने देख लिया केजी पर मीटर क्यूब। आप देखते हैं कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि डेंसिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ अपने आप तक ही सीमित नहीं रहता। जैसे आप मास को देख लीजिए, मास मोस्टली अपने आप तक सीमित रहता है, लेकिन डेंसिटी का वो सिचुएशन नहीं है। डेंसिटी इज सब्जेक्ट टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू सेवरल अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट डेंसिटी पर आता है, और वो इंपैक्ट क्या है वो हम देखेंगे। डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू वैलिडेट प्योरिटी ऑफ अ मटेरियल इफ अ सब्सटेंस हैज बीन अडल्टरेटेड विद अ चीपर अल्टरनेटिव, द मेजर्ड डेंसिटी ऑफ द कंपोजिट मटेरियल विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पियर सब्सटेंस। तो होगा क्या, अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर किसी भी तरह की अगर इंप्यूरिटी है, अडल्टरेशन है, अडल्टरेशन यानी कि मिलावट, राइट? तो इसका सीधा इंपैक्ट कहाँ पर पड़ता है, आपकी बल्क डेंसिटी पर पड़ता है। और अगर बल्क डेंसिटी में प्रॉब्लम है तो आप समझ जाइएगा कि आपका प्रोडक्ट बनाते वक्त कुछ गड़बड़ हुई है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काफी इंपॉर्टेंट होता है ये डेंसिटी वाला पॉइंट, खास करके जब आप टैबलेट जैसी मेडिसिन बना रहे हो। उसमें क्या होता है कि अलग अलग 10 different types ऑफ इंग्रीडियंट्स विच आर इन पाउडर फॉर्म, 10 अलग अलग पाउडर्स को एक पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद जो ओवरऑल एंड में जो आपके पास बल्क बचता है उस बल्क की आप डेंसिटी मेजर करते हैं। और वो अगर सारी इंग्रेडिएंट्स को ठीक क्वांटिटी में अगर मिलाया गया है तो वो हमेशा सही आएगी। अगर समझ लीजिए कोई एक आध इंग्रेडिएंट भूल गया तो डेंसिटी इमीडिएटली शिफ्ट हो जाती है, और इस वजह से आपको वहीं पर पता चल जाता है कि आपके फॉर्मुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है। फिर आप दूसरे एडवांस्ड एनालिटिकल प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करके डिटरमाइन कर सकते हो कि एग्जैक्टली गलती क्या होगी। तो इस तरह से कुछ डेंसिटी काम में आती है, और इसका जो रिलेशनशिप है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है डेंसिटी भी बढ़ती है। बात सीधी है ना, आप जब अपनी गाड़ी में हवा भरने जाते हो मैकेनिक के पास गैराज में, तो उनके पास क्या होता है, कॉम्प्रेसर होता है। और कॉम्प्रेसर क्या करता है, वो जो बाहर की जो हवा होती है उसे खींचता है, और खींचकर कॉम्प्रेस करके एक जगह पर रख देता है, इससे उसकी डेंसिटी बढ़ती है एयर की। और यही मेथड है जो आप ऑफिस में देखते हैं ना, लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन कैसे मिल जाता है, नाइट्रोजन तो नेचुरली गैसीय स्टेट में होता है ना, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिल जाता है, तो ये कॉम्प्रेस कर करके।
इस पर इतना प्रेशर डाला जाता है कि उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ती है तो धीरे धीरे वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। इसका एग्जैक्ट उल्टा रिलेशनशिप आपको टेम्परेचर के साथ मिलेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डेंसिटी कम होती है। पॉपकॉर्न का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, वाटर की डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होने की वजह से वो गैसियस स्टेट में आ जाता है, और जैसे ही गैसियस स्टेट में आ जाता है पॉपकॉर्न ऐसा फूट जाता है, और आपको जो मकई का दाना फूट जाता है और आपको पॉपकॉर्न मिलता है जो एकदम बढ़िया टेस्टी ट्रीट होती है आपके लिए, है कि नहीं। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं डेंसिटी में अगर चेंजेस होते हैं तो किस तरह से मटीरियल की स्टेट में भी चेंजेस होते हैं। डेंसिटी जितनी ज्यादा है उतना आप सॉलिड की तरफ जाओगे, जितनी कम उतना आप गैस की तरफ भागोगे। इससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट भी हैं, जैसे वेपर प्रेशर होता है, और वेपर प्रेशर बेसिकली आपका पूरा जो फॉर्मुलेशन होता है, चाहे वो फार्मा कंपनी हो या दूसरी कोई भी केमिकल कंपनी हो, वो वेपर प्रेशर उसको डिटरमाइन करता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो किस तरह का होगा, कहाँ पर हमें किस तरह के वेसल्स चाहिए, कितना प्रेशर रखना होगा ताकि हमारा सॉल्वेंट इवेपोरेट ना हो जाए या फिर एक्सप्लोसिव कंडीशंस ना बन जाए। तो उसके लिए ये रिलेशनशिप को जानना इम्पोर्टेंट है, और इस ये जो पैरामीटर्स हैं टेम्परेचर और प्रेशर, इनमें अगर कोई चेंज आता है तो आपके प्रोडक्ट पर क्या चेंज आएगा उसको समझना भी उतना ही आवश्यक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर में जिस तरह से चेंज होता है उस तरह से ये जो अमाउंट है वो भी कम ज्यादा होता है एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर। नेक्स्ट यूनिट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेसेस हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी भी वस्तु की गर्मी या ठंडक को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करता है। क्वांटिटेटिवली यानी कि संख्या के स्वरूप में, एज अ नंबर वो उसे एक्सप्रेस करता है। क्योंकि आपको तो चाहिए होगा ना, आप हमेशा ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपको कोई केमिकल रिएक्शन करनी है इसको ठंडा कर दो बस, ऐसा कह के नहीं चलता। यू हैव टू स्पेसिफाई टेम्परेचर, ये केमिकल रिएक्शन लेट्स से 2 डिग्री सेल्सियस पर ही फिक्स होगी। आपको आपका प्रोडक्ट स्टोर करके रखना है, आपका प्रोडक्ट का स्टोरेज टेम्परेचर है -73 डिग्री सेल्सियस, -43 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस। तो ये एग्जैक्ट नंबर ही आपको ये समझाने में मदद करता है कि एक्चुअली किस टेम्परेचर की बात हो रही है, सिर्फ ठंडा है तो कितना ठंडा है, गर्म है तो कितना गर्म है। क्योंकि जब तक आप ये क्वांटिटेटिवली इवेल्युएट नहीं करोगे तो आपकी जो केमिकल प्रोसेसेस जो बहुत ज्यादा थर्मली सेंसिटिव होती है, थर्मली सेंसिटिव यानी कि टेम्परेचर में थोड़ा भी कम ज्यादा अगर हो जाए इश्यू तो वो प्रोसेस पूरी तरह से बंद हो जाती है। और ये सिर्फ केमिकल लेबोरेटरी में नहीं, आपके बॉडी के लिए भी सच है। जब आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है या वायरल इन्फेक्शन आ जाता है तो आपको बुखार आ जाता है। बुखार क्यों आता है? क्योंकि बॉडी जानती है कि जो वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर में आया है उसके मल्टीप्लीकेशन के लिए जो केमिकल प्रोसेसेस जरूरी है वो केमिकल प्रोसेसेस सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर में पूरी हो सकती है। इसलिए बॉडी क्या करती है, अपना टेम्परेचर रेज कर देती है इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हायर टेम्परेचर पर वो प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगी। तो इससे फायदा क्या होता है कि उनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो रुक जाता है, और मल्टीप्लीकेशन वो रुक जाता है और फिर आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसको चांस मिलता है इस इन्फेक्शन के साथ फाइट करके उसको हराने का। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, ये जो बेस ऐसा यूनिट है हमने स्टार्टिंग में लिखा था, और उसके लिए दूसरे यूनिट जो ज्यादा एक्चुअली कॉमनली यूज होते हैं वो है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट। ओके, तो यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम दी है, काफी सिग्निफिकेंट ऐसी डायग्राम है, ये आपको समझने में मदद करेगी कि ये जो 3 वैल्यूज है डिग्री फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन, इनमें एक्चुअली डिफरेंसेस क्या क्या है। इनको आपस में आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में या फिर केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपस में आप जितना चाहे इनका कन्वर्जेंस कर सकते हो, और कन्वर्जन के लिए क्या फॉर्मूला है जो हम अगले स्लाइड पर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इस बात को समझिए कि ये जो 3 सिस्टम्स बनाए गए हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो किस तरह से काम करते हैं। केल्विन जो है आप डिग्री सेल्सियस तो जानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर फ्रीज हो जाता है, लेकिन आप यही अगर केल्विन में देखेंगे तो केल्विन का टेम्परेचर होता है 273.15, इसको अप्रोक्सीमेट करके 273 माना जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, और उसी बात और उसी सिचुएशन में अगर आप डिग्री फारेनहाइट चेक करेंगे तो 32 होता है। सो एट 0 डिग्री सेल्सियस यू हैव 2 डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन। अब जैसे जैसे
टेम्परेचर बढ़ेगा और वाटर बॉइल होने लगेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ये हमने स्टैंडर्ड कंसिडर किया ना, जैसे कि डेंसिटी के लिए वाटर को स्टैंडर्ड लिया गया है, उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट या फिर टेम्परेचर के लिए वाटर को स्टैंडर्ड लिया गया है डिग्री सेल्सियस की जो स्केल है उसके अंदर। और फिर ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है इस पर अगर हम रिलेटिवली कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कि केल्विन जो है 373.115 है, यानी कि एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हुआ है, तो केल्विन में भी 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हुआ है। लेकिन डिग्री फारेनहाइट में ऐसा नहीं है, यहाँ पर अलग नंबर है, यहाँ पर 212 डिग्री फारेनहाइट, 32 से 132 पर नहीं गए। तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर्स हैं ये थोड़े अलग हैं और ये किस तरह से काम करते हैं वो अब हम देखेंगे। उसके पहले आपको मैं एक बात बता दूं, केल्विन जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस की जो रीडिंग है वो नेगेटिव में जा सकती है, डिग्री फारेनहाइट नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन केल्विन कभी नहीं होता है। इसलिए इसका जो जीरो है उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है टेम्परेचर की। और डिग्री केल्विन को किस तरह से स्पेसिफाई किया गया था ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब भी आप किसी चीज को फ्रीज करते हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका डेंसिटी बढ़ रहा है। ओके, अब डेंसिटी जब उसका बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते, अब वो नजदीक आ रहे हैं। ओके, और ये जो मूवमेंट होती है फिर भी इनके बीच में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है ना, तो पहले लिक्विड जो है वो सीधे सॉलिड नहीं हो जाएगा, लिक्विड फिर थोड़ा सा सेमी सॉलिड जैसा हो जाएगा, स्लज एक तरह से सेमी सॉलिड मटेरियल बनेगा, फिर और ज्यादा टेम्परेचर कम होगा तो फिर वो कंप्लीटली सॉलिड एकदम पथरीला हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन होती है इसमें जो उसके एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से स्टेशनरी हो जाते हैं, उसी टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। और इसलिए ये जो स्केल है ना इसको स्टैंडर्ड माना गया है, क्योंकि ये लॉजिकली ज्यादा सेंस बनता है केल्विन यूज करने में। लेकिन हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री सेल्सियस इज मच बेटर इन कंपैरिजन। 273 कैसा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन अगर आपको केमिकल कैलकुलेशंस करने हैं तो इट इज ऑलवेज गुड टू यूज केल्विन रादर देन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट। तो इनके आपस में क्या रिलेशंस हैं वो देख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस से डिग्री फारेनहाइट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसमें 32 ऐड करना होगा। 32 क्या, ये करेक्शन फैक्टर है। और ये करेक्शन फैक्टर कैसे पता चला, आपने देखा होगा 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर था उस पर फारेनहाइट की जो रीडिंग थी वो 32 थी। तो ये दोनों इनकी जो बेसलाइन है वो अलग अलग लेवल पर है और उस बेसलाइन को आपको अगर सिंक्रोनाइज करना है तो जो डिफरेंस है दोनों की बेसलाइन में उसको आपको डिग्री सेल्सियस में ऐड करना होगा और डिग्री फारेनहाइट में से माइनस करना होगा। और यही आपको यहाँ पर भी दिखेगा, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फारेनहाइट अगर आपको कन्वर्जन करना है तो डिग्री सेल्सियस को आपको 9/5 से, ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है राइट, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और प्लस 32 करना है ताकि वो जो बेसलाइन में जो डिफरेंस है वो कंपनसेट हो सके। उसी के साथ अगर इसी इक्वेशन को अगर हम मैनिपुलेट करते हैं और डिग्री सेल्सियस के लिए फॉर्मूला जनरेट करते हैं तो आपको मिलेगा 5/9 इन ब्रैकेट डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। तो ये दोनों फॉर्मूलाज का उपयोग करके आप कन्वर्जन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपके पास एक बार डिग्री सेल्सियस है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 273 ऐड कर देना है, आपको केल्विन में रीडिंग मिल जाएगी, क्योंकि केल्विन का और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन कैसा है, स्टेबल। एक बस करेक्शन फैक्टर है वो आपको ऐड करना है, 273 केल्विन, उसको आप ऐड कर दीजिए और आपको इमीडिएटली केल्विन में भी रीडिंग मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया है। देखिए, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 बट राउंडेड अप टू 273। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 273 केल्विन। अगला हमारा जो यूनिट है वो है एटॉमिक मास, काफी इंपॉर्टेंट है। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि मास क्या है, एक पदार्थ है ना, ये एक तरह से उसके अस्तित्व के साथ संबंध रखता है, उसकी एग्जिस्टेंस के इर्द गिर्द घूमने वाली ये है कि मटेरियल कितना है आपके पास, टोटल बेसिक मटेरियल। उसका वजन कम या ज्यादा हो सकता है, डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन बेसिकली मटेरियल कितना है। और ये मटेरियल हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होता है उसके मटेरियल या फिर उसका जो मैटर है टोटल, वो मैटर की क्वांटिटी कितनी है वो हम डिटरमाइन करें, और इसी क्वांटिटी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सा है किसी भी मटेरियल का, एटम होता है। अगर मॉलिक्यूल है और कंपाउंड है, एलिमेंट है, तो एटम उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट।
और अगर मॉलिक्यूल है तो उसका कंपाउंड है सॉरी, तो उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है उसका मॉलिक्यूल। तो दोनों ही सिचुएशंस में आपको मास कैलकुलेट करने की फैसिलिटी है। आप क्या करोगे, यानी एटम इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ मैटर एंड द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। तो ये वो सबसे छोटा पार्ट है कि उसमें पूरे एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी दिखती है, और ये सबसे छोटा है, यानी कि इसको आप और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। आप डिवाइड करोगे तो हो सकता है आपको कुछ मिले, लेकिन वो उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मैच नहीं करेगा, वो कुछ और होगा, इट विल बी समथिंग डिफरेंट। कार्बन का ही एटम ले लीजिए, तो कार्बन का जो एटम है उसका टोटल मास कितना है जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक मास ये है। अब एटॉमिक मास कैसे पता चलेगा आपको? हम सब जानते हैं कि किसी भी एटम में तीन अलग अलग स्पीशीज रहती हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। अब इनका अपना अपना वजन है, इनका अपना अपना मास है ना, एग्जिस्टेंस है इनका। और ये जो मास है इनको अगर हम ऐड कर दें तो हमें उस एटम का मास मिल जाएगा, है कि नहीं? एक एटम में क्या है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अलावा तो और कोई चीज है नहीं। तो इनके मास को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, उस एटम का मास मिलेगा, वही उसका एटॉमिक मास भी है। तो इसको लिखने का भी एक तरीका है जो केमिस्ट्री में सब जगह यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर इस चार्ट पर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कार्बन को किस तरह से लिखा जाए। कार्बन को जो स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया है एटॉमिक मास की स्टडीज में, और बाकी सारे मोल कंसेप्ट में भी बेसिकली कार्बन को स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है, उसके लिए सारे कैलकुलेशन ढूंढते हैं मोल कंसेप्ट में खास करके। तो कार्बन को कैसे लिखा जाता है, 12 कार्बन 6, इसका मतलब है कि टोटल उसका जो एटॉमिक मास है वो है 12, उसका एटॉमिक नंबर है 6, ओके। और आइडेंटिफिकेशन जो है ना, ये पूरी तरह से प्रोटॉन बेस्ड होता है, यानी कि अब ये जो नंबर्स है ना, कार्बन को लिखने का तरीका हमने देख लिया, 12C6 इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें मीनिंग क्या है वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। तो जो उसका मास है वो आपको ऊपर दिख रहा है, इसका सिंबल है कैपिटल ए इज इक्वल टू 12 इन केस ऑफ कार्बन। तो कार्बन में ये 12 कैसे आया? कार्बन में ये 12 इसलिए है क्योंकि मास जो होता है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का एडिशन होता है। इसका कारण ये है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो वेट है वो सब्सटेंशियल है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को इस मेजरमेंट में इंक्लूड इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वैसे भी वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यू लूज एंड यू गेन इलेक्ट्रॉन्स ऑल द टाइम, वो बात तो फिक्स है। लेकिन उसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन्स का जो वजन है वो इतना कम है कि इट इज नेग्लिजिबल, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू योर कैलकुलेशन। तो इस वजह से सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास है उसको ऐड कर देते हैं और उसी को एटम का मास कंसिडर कर लेते हैं, और वही उसका मास नंबर भी होता है। लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो एज अ एटॉमिक नंबर डिनोट किए जाते हैं। तो देखिए, आपको आइडेंटिफिकेशन की तो आवश्यकता है ना, आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा एटम कार्बन का है, कौन सा गोल्ड का है, कौन सा मर्क्यूरी का है? ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, उसके एटम के अंदर उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं ये आपको मेजर करना होगा, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उसी के बेसिस पर उस एटम का आइडेंटिफिकेशन भी होगा। अब रूल क्या कहता है, ऐसा कोई भी एटम जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है तो वो कार्बन का ही एटम माना जाएगा, भले ही उसके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या कुछ और हो, भले ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कुछ और हो, लेकिन अगर 6 प्रोटॉन्स है तो वो कार्बन का ही एटम है। और अगर प्रोटॉन्स की संख्या बदलती है तो उसका एलिमेंट भी बदल जाएगा करस्पॉन्डिंगली, ओके। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम्स न्यूक्लियस। तो एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। द एटॉमिक नंबर डिटरमाइंस व्हिच एलिमेंट एन एटम इज, ये भी हमने डिस्कस किया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आपका एटम न्यूट्रल है मतलब वो रिएक्टिव नहीं है, राइट, या फिर बॉन्डेड कंडीशन में नहीं है, तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहेंगे क्योंकि वो न्यूट्रल है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। तो अगर दोनों की संख्या बराबर है न्यूट्रल एटम में तो फिर चार्ज इस पर कुछ नहीं रहेगा, वो न्यूट्रल ही रहेगा। तो मास नंबर क्या होता है, फाइनली हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे, कि जो एटम का जो मास होता है दैट इज द एडिशन ऑफ टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब आगे बढ़ने से पहले हम मॉलिक्यूल क्या होता है वो भी देखेंगे, क्योंकि जब हम मोल कंसेप्ट्स में जाने वाले हैं थोड़ी देर में, और मोल कंसेप्ट्स
आप तब तक नहीं समझ सकते तब तक आपको मॉलिक्यूल की अंडरस्टैंडिंग ना हो, या आप ऑलरेडी जानते हो ये सब कुछ, या आपने आपकी जो अर्लियर क्लासेस थे उसमें पढ़ा है, लेकिन इसको रिविजिट करना इंपॉर्टेंट है. मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट रिटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस एंड इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर एटम. यानी कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल एक ऐसी एक एग्जिस्टेंस है जो बल्क में सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको रिफ्लेक्ट करता है. तो ये बेसिकली अगेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. ऐसा कोई भी कंपाउंड है आपके पास जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है. तो आप एक मॉलिक्यूल ले लीजिए हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन इज अ मॉलिक्यूल H2, राइट, और वो एक कंपाउंड भी है. तो जो H2 है उस H2 का एक सिंगल आप मॉलिक्यूल ले लोगे तो वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जीबिट करेगा जो हाइड्रोजन गैस का एक सिलेंडर उसमें जो भरा हुआ क्वांटिटी है बहुत सारा वो जो वो एग्जीबिट करता है. सेम सिचुएशन कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, वाटर, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये सब पर एप्लीकेबल होता है. और मॉलिक्यूल बनता कैसे, जब अलग अलग तरह के एटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन में एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है. और ये बॉन्डिंग क्यों एस्टेब्लिश होती है, क्योंकि सारे के सारे एटम्स न्यूट्रल नहीं होते हैं. कुछ एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, कुछ के पास कम होते हैं. और डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर एटम चाहता है कि उसका ये जो इम्बैलेंस है ये खत्म हो जाए, सबको न्यूट्रल बनना है, ये उनका टारगेट है, राइट, एवरी एटम वॉन्ट्स टू बी न्यूट्रल. तो ये न्यूट्रल स्टेट को अचीव करने की कोशिश करने के लिए वो बॉन्डिंग करते हैं ऐसे दूसरे एटम के साथ जिसकी रिक्वायरमेंट्स और जिसकी रिक्वायरमेंट्स के साथ वो कंपेटेबल है. जैसे कि अगर किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो ऐसे एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ज्यादा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो छोटे वाले को दे देगा और फिर वो न्यूट्रल हो जाएंगे. और दोनों ही जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो एक स्टेबल केमिकल मॉलिक्यूल बन जाएगा. तो इसी प्रिंसिपल पे बाकी सारे मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं. चाहे वाटर ले लीजिए जिसमें ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, अमोनिया की बात अगर हम करें तो उसमें नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन है, और मीथेन में एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन CH3. तो कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल बनते हैं. हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ बेसिक टचअप कर रहे हैं. तो एटॉमिक मास पर हम वापस आ गए. तो एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम. एक एटम का जो टोटल मास होता है ना वो उसका एटॉमिक मास होता है उस एलिमेंट का. एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल ए एंड इज टिपिकली कैलकुलेटेड बाय एडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर, इग्नोरिंग द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज. तो इलेक्ट्रॉन्स का जो टोटल मास है वो इतना कम है कि उसको नेगलिजिबल कंसिडर किया जाता है, उसको कंसिडरेशन में नहीं लेते. और ऐसा क्यों है, यहाँ पर देखिए थ्रू प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन ये आइडेंटिफाई किया गया है कि इनका मास एक्चुअली है कितना. तो प्रोटॉन जो होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसका मास होता है 1.67272 × 10⁻²⁴ ग्राम, और मास जो है 1.007316 है, इसको एटॉमिक मास यूनिट, ये AMU जो है ना ये इसका यूनिट है, एटॉमिक मास को मेजर करने का यूनिट है. न्यूट्रॉन का सेम वन पॉइंट, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, 1.6750 × 10⁻²⁴ ग्राम, अगेन उसका मास जो है 1.008701 AMU है. इलेक्ट्रॉन का इतना कम है कि उसको हम कंसिडर नहीं करते कैलकुलेशन से, लेकिन उसको उसका भी मास है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. तो ये जो वैल्यूज है ये आई कहां से, ये एक मॉडर्न इक्विपमेंट है जिसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं. ये लेबोरेटरीज में रेगुलर बेसिस पे यूज होता है. अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ तो आप काफी अच्छे से जानते हैं ऑलरेडी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, वो कैसे काम करता है. अब तक तो आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखी है एटॉमिक मास की, लेकिन हम इसको एज ए यूनिट स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करेंगे. और वो कैसे किया जाता है, इसको कार्बन को कंसिडर किया जाता है स्टैंडर्ड, जो हमने उस इमेज में भी देखा था. द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस इज बेस्ड ऑन कार्बन 12. तो कार्बन का एक एटम है 12, उसके बेसिस पे इसको एस्टेब्लिश किया गया है. अब एक एटम मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कार्बन ऐसा भी मिलेगा जिसमें एटॉमिक मास थोड़ा अलग होता है. अगर आप न्यूट्रॉन ऐड कर दें तो मास चेंज हो जाएगा, राइट. अगर आप जैसे प्रोटॉन चेंज होता है तो कार्बन का एटम ही नहीं रहेगा. तो बात यह है कि छोटे छोटे वेरिएशंस मिल सकते हैं नेचर में, एक्सेप्शन. हर कंसेप्ट का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता ही है कहीं 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 भी, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं कुछ स्टैंडर्डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू. तो स्टैंडर्डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कंसिडर किया गया है,
कि कार्बन 12 का जो एटम है उसको स्टैंडर्ड कंसिडर किया है, और उसके बेसिस पे फिर बाकी सबका जो एटॉमिक मास है उसको कैलकुलेट किया जाता है। और ये डिसीजन लिया था IUPAC और IUPUC ने साथ में मिलकर। तो इन दिस सिस्टम C12 इज असाइंड द मास ऑफ एग्जैक्टली 12 AMU। तो एक कार्बन का जो एटम होता है उसको वजन हमने डिनोट कर दिया कि 12 AMU इज इक्वल टू 12 AMU, राइट। और फिर इसी हिसाब से फिर बाकी के डिवाइड किए जाते हैं, बाकी के कैलकुलेट किए जाते हैं एटॉमिक मासेस। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो मास है वो है 1/12 ऑफ कार्बन एटम। तो लिखते वक्त हमें ऐसे ही लिखना है कि हाइड्रोजन मास इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ कार्बन एटम। अब कार्बन एटम का एटॉमिक मास यूनिट कितना है? अगर एटॉमिक मास यूनिट में हमें अगर इसको एग्जिबिट करना है तो क्या हो जाएगा, 1/12 × 12। अब ये जो 12 12 है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हाइड्रोजन का आपको मास मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, तो यूनिट है ना AMU। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा एक एटम का, 1 AMU। और इसी को हम यूनिफाइड एटॉमिक मास भी कहते हैं। ये अलग एक दूसरा है। इसके साथ साथ एक और यूनिट है जिसमें 1 AMU = 1 Dalton भी होता है। तो ये अलग अलग तरह के यूनिट्स हैं। डाल्टन काफी कॉमनली यूज किया जाता है वैसे केमिस्ट्री में, तो इसको याद रखिएगा। तो 1 AMU है और साथ ही साथ 1 Dalton भी, तो बेसिकली वो एक ही चीज है। आप AMU कहो या फिर डाल्टन कहो, इट्स द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 यूनिफाइड एटॉमिक मास, या फिर 14 Dalton, या फिर 14 AMU। ये 14 कैसे है? क्योंकि अब आपको हाइड्रोजन मिल गया, राइट। इसमें टोटल नाइट्रोजन में कितने होते हैं, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। और 14 होने की वजह से फिर उसका मास जो है वो 14 AMU है, 14 यूनिफाइड एटॉमिक मास है, 14 Dalton से। व्हेन वी रीड 14 AMU, इट इज एटॉमिक मास, व्हाइल 14 g इज ग्राम एटॉमिक मास। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। अभी एक एज अ नोट दिया गया है ये कि जो आपके पास एटॉमिक मास होता है उसको अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो वो उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। अगर जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास भी इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, सिर्फ उसमें सारे जो एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर सबका एटॉमिक मास को हम ऐड कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। और उस सिचुएशन में भी आपको इसी तरह से कुछ मिलेगा। तो ये जो ग्राम एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट है इसको आप ठीक से समझिए कि आपको जो मास मिला है एटॉमिक मास उसको आपने सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट किया है। और कन्वर्ट कैसे किया है, मतलब यूनिट चेंज कर दिया बस। नाइट्रोजन का कितना है, 14 यूनिट्स है एटॉमिक मास, और 14 ग्राम कर दिया तो वो क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास, एकदम सिंपल। तो मॉलिक्यूलर मास पर आ गए हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मॉलिक्यूलर मास एसेंशियली क्या है, एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं तो हम जानते हैं। एक एटम का मास मतलब कि उसके अंदर के जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनको ऐड कर दीजिए। अब ये जो सारे एटम्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, इनका जो इंडिविजुअल एटॉमिक मास है उसको अगर हम ऐड कर दें तो हमें फिर उस मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ही ले लीजिए, C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। इसका मतलब है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं, और इंडिविजुअली सभी का एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है। और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो भी हम जानते हैं कि 6 कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 ऑक्सीजन के हैं। तो इसी इक्वेशन को अगर हम तैयार करें और कैलकुलेट करें ऐड करके तो हमें टोटल एटॉमिक मास मिलेगा 180, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है। और इसी को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। जैसे एलिमेंट के लिए ग्राम एटॉमिक मास था, उसी तरह से मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो सेकेंड सेक्शन का हमारा सबसे लास्ट यूनिट जो है उसका नाम है मोल। और सिर्फ मोल ही नहीं, हम इसमें मोल कॉन्सेप्ट्स भी कवर करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है मोल। मोल एक नंबर के साथ इनहेरेंटली कनेक्टेड है जिसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू डिटरमाइन किया गया एक क्वांटिटी है जो हमने एज ए यूनिट अडॉप्ट किया है। अब ये किस तरह से काम करता है मैं जस्ट अभी आपको बताऊंगा। एवोगैड्रोस नंबर क्या है लेकिन वो देख लेते हैं सबसे पहले। अ क्वांटिटी 6.022 × 10^23 इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। द सिंबल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इज कैपिटल N। तो ये जो एवोगैड्रोस नंबर है ये एक क्वांटिटी है 6.022 × 10^23। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, GAM। कार्बन है तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया उसका 12,
क्योंकि उसका एटॉमिक मास 12 है, एंड व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। तो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का जो टोटल मास है, उस मास को अगर आप ग्राम में रिफ्लेक्ट करते हो या ग्राम में उसको एक्सप्रेस करते हो, तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास अगर एलिमेंट है तो बन जाता है, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। और इस नंबर का फीचर क्या है, ये इतना सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये इतना, इसका कारण मोल की डेफिनेशन में है। तो मोल की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स 6.022 × 10⁰³ प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एज अ स्टैंडर्ड इज एक्सेप्टेड एज अ मोल। तो इसको एज अ स्टैंडर्ड यूनिट एक्सेप्ट किया गया है कि 12 ग्राम जो कार्बन है उसमें 6.022 × 10⁰³ कार्बन एटम्स होंगे। अब ये थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसके आधार पर ये डिटरमाइन किया गया है कि 12 ग्राम कार्बन में 6.022 × 10⁰³ पार्टिकल्स होते हैं। सिमिलरली रिसर्च के थ्रू ये पता चला है कि ये बाकी के सारे एलिमेंट्स के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब है कि अगर आप 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन लोगे, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, तो इफ यू टेक 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन देन इट विल अगेन कंटेन 6.022 × 10⁰³ पार्टिकल्स और एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये वो क्वांटिटी है, एक मोल यानी ये वो ग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट और ग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड जिसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 × 10⁰³ होंगे। अब पार्टिकल वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये डिनोट करता है, ये सिर्फ एटम्स तक या मॉलिक्यूल्स तक लिमिटेड नहीं है, इसमें आयंस भी आते हैं। ओके, तो पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सबको इंटर आप एक्सचेंज कर सकते हो एक दूसरे के साथ, लेकिन नंबर कॉन्स्टेंट रहता है। तो किसी भी स्पीशीज का, किसी भी केमिकल स्पीशीज का अगर आप टोटल वन मोल क्वांटिटी अगर कंसिडर करो, तो ये स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया है कि उसके अंदर 6.022 × 10⁰³ पार्टिकल्स आने चाहिए। इसलिए यहां पर आप देखेंगे इस बबल में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, वन मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁰³ पार्टिकल्स। जिस तरह से हम समझते हैं कि वन डजन में 12 क्वांटिटी होती है और वन ग्रोस में 12 डजन होते हैं, उसी तरह से वन मोल में 6.022 × 10⁰³ पार्टिकल्स होते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली ये बोथ वेज काम करता है। अगर आपको किसी ने कहा कि मेरे पास वन मोल कंपाउंड है, तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं। और अगर किसी ने आपको कहा कि आपके पास 6.022 × 10⁰³ पार्टिकल्स है, तो आप ये दिखा सकते हैं कि फिर कितने मोल्स वहां पर उस पर्टिकुलर कंपाउंड का है। तो ये बोथ वेज आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि जितने भी सॉल्यूशंस केमिस्ट्री में बनते हैं, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन हम डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, सभी कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट के साथ आकर जुड़े होते हैं, और इसी के बेसिस पर उनका ये होता है, कैलकुलेशन होता है पूरा। इसके लिए फॉर्मूला भी है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय आइदर ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, अगर मॉलिक्यूल का कर रहे हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सिंपल ना। तो इसका जो फॉर्मूला है स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, वो क्या हो गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट क्या हो गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। अब ये तो तब की बात है अगर आपको मास बताया गया है, बट इंस्टेड ऑफ मास व्हाट इफ यू हैव बीन टोल्ड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपको किसी ने यह कहा कि मेरे पास ये बल्क है पर्टिकुलर केमिकल का और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जितने भी वो बताएंगे वैल्यू, तो वैसे सिचुएशन में क्या करोगे आप, फिर इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नोन देन यू कैन डिवाइड इट सिंपली विद एवोगाड्रोस नंबर, एंड इफ यू डू दैट देन यू विल हैव द नंबर ऑफ मोल्स आल्सो, क्योंकि ये रेशियो की बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स इज बेसिकली रेशियो। इन केस ऑफ गैसियस स्टेट, गैसेस के लिए थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया, जिस तरह से एवोगाड्रो नंबर सॉलिड और लिक्विड के लिए ज्यादा अच्छा है, उसको आप गैस पर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं ना, इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू डू कैलकुलेशन बिकॉज गैसेस कैन बी सो अनस्टेबल। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव कम अप विद
कन्वर्जन फैक्टर है ना, जो 22.4 लीटर एक ऐसा फैक्टर बनाया गया जिसमें प्रॉपर यू नो कैलकुलेशंस के बेसिस पर ये डिटरमाइन होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में 22.4 लीटर का जो वॉल्यूम है उसके अंदर जो भी गैस होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 मोल। तो इसी तरह से अगर आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन बताता है कि आपके पास गैस है और उसका वॉल्यूम कितना है, तो उसके आधार पर आप वो कितने मोल से वो भी डिसाइड कर सकते हैं। और इसी बात को समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन 53 ग्राम्स ऑफ Na2CO3। इसमें देखिए हमें क्वांटिटी नोन इन्फॉर्मेशन क्या क्या, चलो पहले देख लेते हैं। हमारे पास मास है और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पर फिर आप आगे जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है, तो इट इज ऑल्सो गिवन, यू नो वॉट एवोगाड्रोस नंबर इज, क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंट है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास पहले कैलकुलेट करेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमें मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, जब तक नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं हमें, हम ये नहीं देख सकते कि एग्जैक्टली कितने इसमें पार्टिकल्स है, क्योंकि मोल्स का और एवोगाड्रोस नंबर का जो रिलेशनशिप है वो हमें दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है किसी भी एलिमेंट के, किसी भी कंपाउंड के। तो जब तक ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी, कितने मोल्स हैं और एवोगाड्रोस नंबर क्या है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एवोगाड्रोस नंबर तो हमें पहले से पता है, जो चीज हमें पता नहीं है वो है मोल्स। तो सबसे पहले मोल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मोल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो लेट्स गो बैक टू कैलकुलेशन ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3। अब Na2CO3 के मॉलिक्यूल में 2 सोडियम 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन है। सोडियम का एटॉमिक मास है 23, ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का है 12। और इनकी जो संख्या है एटम्स की एक मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि 2 सोडियम 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, इसके साथ कंसिडरेशन में अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिलता है Na2CO3 का, जो है 106 ग्राम पर मोल। अब ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है इसके बेसिस पर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अब फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना ऑलरेडी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन 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 केस ऑफ अ कंपाउंड, एंड मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास इन केस ऑफ एन एलिमेंट। अब ये कंपाउंड है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, मास हमारे पास ऑलरेडी है, हमें प्रॉब्लम में दिया है 53 ग्राम्स। तो ये 53 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 106 होगा, और उसका जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है वो है 0.5 मोल। सो नाउ वी नो दैट 53 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 इज इक्विवेलेंट टू 0.5 मोल्स ऑफ Na2CO3। ये रिलेशनशिप एक बार पता चल गया तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। हमें अभी मोल्स पता चल गए, हमें एवोगाड्रोस नंबर भी पता है, तो सबसे पहले तो हम जो स्टैंडर्ड इक्विवेलेंस है उसको लिख देते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स, एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हुई थी ना। अब क्योंकि हम कंपाउंड का एनालिसिस कर रहे हैं तो यहां पर मॉलिक्यूल्स आ गए, अगर ये एलिमेंट होता तो यहां पर एटम्स होते। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³। हाँ, तो अब हम जानते हैं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल है, तो 0.5 में कितने होंगे, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो 3.011 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स। सो नाउ वी नो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं सोडियम कार्बोनेट के 53 ग्राम्स में, 3.011 × 10⁻²³। अब ये पता चल गया हमें। अब एक और बात जो हम जानते हैं वो क्या है कि नंबर ऑफ सोडियम आइटम्स डबल है ना, 2 है एक मॉलिक्यूल में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको डबल करना पड़ेगा आपको अगर नंबर ऑफ सोडियम आइटम्स ढूंढने हैं आपको, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल में 2 सोडियम आइटम्स कंज्यूम होते। तो इसलिए यहां पर नीचे इक्वेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आइटम्स इज इक्वल टू 2 × 3.011 × 10⁻²³। और फिर कार्बन आइटम कितने हो जाएंगे, 3.011 × 10⁻²³, और ऑक्सीजन आइटम कितने हो जाएंगे, क्योंकि 3 है तो 3 × 3.011 × 10⁻²³। तो इसको बस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो आपका आपने इस्टेब्लिश किया है उसके साथ आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल इनफ। इसी के साथ हमारा सेकेंड सेक्शन खत्म हुआ। सेकेंड सेक्शन में हमने देखा कि मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट्स क्या होते हैं। अब ये वो फाउंडेशन है जिसके बेसिस पर हम थर्ड फेज में जाएंगे यूनिट्स के, जिसमें हम थोड़े से ज्यादा एडवांस जो यूनिट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे।